अभी जब मातृत्व की बात आई तो अक्सर पिता दुर्लक्षित हो जाता है, नेग्लेक्ट हो जाता है, जबकि उसका भी बराबरी में हिस्सा होना चाहिए। जितना मैंने बताया कि रिलेटिव्स को एडवाइस करनी होती है, तो हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि जो नौजवान पिता बना तो उसे पता नहीं चलता पिता बनने का मतलब क्या होता है, रिएक्शन क्या होती है। वो चाहते हैं बच्चे की देख रेख करूँ पर वो समझ नहीं पाता मैं कैसे करूँ, तो उस पिता के बारे में आपकी क्या एडवाइस है? बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर सतीश, इस बारे में तो मैं बोलना चाहूँगा। जैसा मैडम ने बताया कि डिलीवरी के बाद में एक स्ट्रेस पीरियड रहता है जो मदर पे रहता है, और माँ की मानसिक स्थिति यदि सही है, मेंटली स्ट्रेस नहीं है, तो उसको फीड्स बहुत अच्छे से आता है और बच्चों को दूध अच्छी पर्याप्त मात्रा में दूध मिलता है। तो मैं तो इस बारे में कहना चाहूँगा कि माता के साथ में पिता का भी उतना ही हिस्सा है। यदि दोनों मिलके केयर लेते हैं बच्चे की, तो इसमें बच्चे के मानसिक और शारीरिक दोनों विकास बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। अभी फॉर एग्जाम्पल माँ दूध पिला रही है बच्चों को और माँ थकी हुई है, कोई कारण से सोना चाहती है, तो पिता जी का फर्ज बनता है कि बच्चों को पास में लेके वो भी फीट पैदा थप्पे थपथपा के बच्चों को सुला सकता है, बच्चे की नेपिस चेंज कर सकता है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, बच्चों को दवाई पिला सकता है, समय पर बच्चों को लेके माँ को पर्याप्त आराम करने के लिए भी सलाह दे सकता है। बहुत सी बार ऐसी रहती घर की परिस्थितियाँ कि जिसमें मेंटल स्ट्रेस में कुछ मदर्स रहती है, उस समय हस्बैंड की जवाबदारी है कि माँ को रिलैक्स करना है, उसको अच्छा एनकरेज करके ज़्यादा से ज़्यादा दूध बच्चे को पिलाए, ऐसा कुछ उसको साथ में सपोर्ट करना चाहिए कि ताकि दोनों भी मिलके बच्चे की अच्छी केयर ले सकें। तो पिता का भी उतना ही रोल है।